हेलो गाइस, मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको डबल लाइटिंग किस तरीके से हमें 24 इंच बाई 24 इंच का राउंड बनाना है, नया डिजाइन। तो ये देखने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और मैं किस तरीके से ये मिरर बनाऊंगा वो भी आप अच्छी तरीके से देखें। ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें 24 इंच बाई 24 इंच का राउंड बनाना है डबल लाइटिंग मिरर, ठीक है। और जो आजकल जो मिरर चल रहे हैं ज़्यादा लाइटिंग के ही चल रहे हैं, वो आपको पता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियो मेरी लाइटिंग के मिरर के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब कुछ दोस्त ये समझेंगे कि ज़्यादा वीडियो इसी बारे में क्यों डालना है। भाई, अपने पास ज़्यादा इसी बारे में वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा लाइटिंग मिरर का ही है, तो इस वजह से वीडियो इसकी आ रही है। कोई अगर अलग वर्क आएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। ये हमारा 24 इंच बाई 24 इंच का है, हमने कटिंग कर लिया था। अब इसका सेंटर निकालेंगे, इसका पूरा राउंड कटिंग करने के लिए, ठीक है। ये हम इससे 24 इंच बाई 24 इंच का राउंड कटिंग करेंगे। और गाइस, पीवीसी आपको पता ही है, आपने अगर वो पीवीसी 5 mm की पीवीसी ली है हमने इसमें, ठीक है। पीवीसी 5 mm की पीवीसी दो तरह की आती है, एक हार्ड आती है, एक नॉर्मल आती है, मतलब मुलायम आती है, थोड़ी हार्ड कम होती है वो। तो दो तरह की पीवीसी आती है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो हार्ड पीवीसी ले लेना, अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप ये पीवीसी भी ले सकते हैं नॉर्मल वाली। वैसे तो नॉर्मल पीवीसी भी सही काम करेंगे तो काम हो जाएगा, मगर आपको मजबूत काम करना है तो हार्ड वाली पीवीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने उससे निशान लगा लिया था और हम इसे कटर से कटिंग करेंगे। यह हमारा 24 इंच बाई 24 इंच का राउंड कटिंग हुआ है। इस पे भी निशान लगा दिया हमने, इस पे भी कटिंग करेंगे। और गाइस, ये देखिए, हम ये मार्किंग क्यों कर रहे हैं, दोनों साइड में हम मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि पीछे भी मार्किंग करनी है। दोनों साइड हम मार्किंग कर लेंगे, एक मार्किंग अंदर चली जाएगी और एक मार्किंग बाहर रह जाएगी। तो उस मार्किंग से क्या होगा, जब हम मिरर पे ये राउंड जो चिपकाएंगे उस पर, तो वहाँ पे सेंटर निकला होगा तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो अच्छी तरीके से पेस्ट करने के लिए आसानी होगी। तो दोनों तरफ से आप सेंटर निकाल लेना। ये गाइस 1 इंच की पट्टी है, ठीक है, 1 इंच की पट्टी पीवीसी की है और ये एलपी जो आती है हमारी, तो एलपी से चिपकाते हैं, ठीक है। एलपी से चिपका लेंगे और एलपी कोई भी कंपनी की अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, कोई भी कंपनी हो, ठीक है। और गाइस, पीवीसी जो आती है ये 4 फुट बाई 8 फुट की सीट आती है पूरी, ठीक है, 4 फुट बाई 8 फुट की। और रेट के बारे में आप अपने एरिया में जो भी रेट हो वो आप जाके पता कर सकते हैं। यहाँ पे टुकड़ा चिपका देंगे, ऐसे कट कर लेंगे इसको। यहां भी एक टुकड़ा चिपकाएंगे।
वीडियो को शुरू में जो आपने डिज़ाइन देखा है तो वो डिज़ाइन हम इसमें मिरर में बनाने वाले हैं, लाइटिंग डबल लाइटिंग का। ये तैयार हो गए हैं। अब इसके पीछे हम ब्रैकेट लगाएंगे, जो स्क्रू दीवार में स्क्रू लगा कर जो टंगाना है ना हमें, देखिए क्लैंप, आपको अगर ये क्लैंप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कोई भी जाकर दुकान पर हार्डवेयर की जाकर ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भाई ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि भाई इसका फोटो, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जाके दिखा सकते हैं। इसमें राउंड में एक ही क्लैंप लगेगा, ठीक है, एक क्लैंप ही लगेगा राउंड में, और जो चौरस होते हैं उसमें दो लगाते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसमें दो भी लगा सकते हैं, एक, हम तो ज्यादातर एक ही लगाते हैं 24x24 का। और गाइस बड़ा अगर गिलास हुआ तो उसमें दो लगाना, अगर 36x36 का है 36 इंच x36 3x3 फुट का तो उसमें दो ही लगाना, 24x24 मतलब 2x2 फुट का है तो आप उसमें एक लगा सकते हैं। ठीक है, उससे अगर बड़ा होता है तो दो क्लैंप लगाना। ठीक है, और गाइस ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि अपना चैनल यार थोड़ा थोड़ा बढ़े, क्योंकि 4 साल मुझे वीडियो बनाते हुए हो गए हैं और अपना चैनल वहाँ का वहीं रुका पड़ा है, क्योंकि वीडियो से आप वीडियो देखते हैं कैसे है तो मुझे पता रहता है कि कौन कितनी वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो में यार ज़्यादा देखे करो आखिर तलक, और ज़्यादा भाग भाग कर नहीं देखा करें, तो वीडियो आखिर तलक ही देखा करें शुरू से आखिर। ठीक है, ये LED है 120 बल्ब वाली, एक मीटर में 120 बल्ब आती है और एक रोल आता है पूरा इसका 5 मीटर का। अगर LED चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं। ये LED 2 कलर की लगेगी इसके अंदर, दो कलर की LED लगेगी, एक वॉर्म एक वाइट। उससे क्या होता है, वॉर्म और वाइट से एक जब हम एक बार टच करेंगे तो एक कलर जलेगा वाइट, ये दोबारा कलर टच करेंगे तो दोबारा वॉर्म जलेगा, और तीसरा टच करेंगे दोनों एक साथ जल जाएंगे, उसमें दोनों एक साथ जलेंगे तो नेचुरल वाइट हो जाएगा। ये LED लग गई है हमारी इसमें, और गाइस ये सेंसर है, देखिए अगर ये सेंसर चाहिए तो ये भी मिल जाएगा अपने पास। वीडियो के शुरू में और आखिर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये अडैप्टर भी वायर भी सब चीजें अपने पास अवेलेबल है। ये मेन वायर है, ये जो हम लाइट में लगाएंगे मेन वायर, आपको ठंडा गर्म देखकर वायर लगा लेने हैं। और गाइस ये सेंसर के आएंगे वायर, दो वायर रहते हैं अलग को, तो वो सेंसर के आएंगे इसमें को, उधर से 144 वाइट आएगा इसके अंदर और ये 12 वाइट बनाकर इधर को देगा। और गाइस इसमें एक चीज ये देखना, LED के जो रेड वायर होते हैं, ठीक है, रेड दो वायर होते हैं, तो वो सेंसर में एक रेड वायर होता है। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं, वो एक वायर होता है, तो आपको दो रेड LED के दोनों रेड वायर एक जगह करके LED में वो उसमें सेंसर में दोनों को
दो वायर एलईडी के सेंसर के एक रेड वायर में मिला देना है, और दो वायर जो बचेंगे सेंसर के वो एलईडी के दो वायर बचेंगे और सेंसर के भी, दोनों को एक एक में कर देना है। ठीक है गाइस, ये कनेक्शन होने का है, बस इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो मिरर में कोई भी। और ये गाइस ये देखना है, अगर आपको पहले वॉर्म जलानी है या वाइट जलानी है तो वायर को अलट पलट कर लेना है, मतलब एक को दूसरे में करके देख लेना है, दूसरे को दूसरे में करके देख लेना है। तो इससे जो है ना आपकी लाइट पहले वॉर्म भी जल सकती है, वाइट भी जल सकती है, उसका आप देख लेना कौन सा वायर किस में लगाना है, एक बार लगा लगा कर देख लेना। ठीक है गाइस, इसका एडाप्टर का, इसका सेंसर का पूरा सेट अपने पास अवेलेबल है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को मैंने आपको बता ही दिया है, वीडियो के शुरू में और आखिर में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये एडाप्टर के पीछे देखिए, यहाँ पे लगाएंगे अपने डबल टेप, डबल टेप आती है ये, ठीक है, एडाप्टर को इस पे चिपकाने के लिए। गाइस सेंटर देखिए, मैं सेंटर जो मैंने निकाला था वो अंदर वाला सेंटर भी हो गया है, और गाइस वो तैयार हो गया हमारा बॉक्स। अब हम गिलास में डिजाइन करेंगे, प्लॉटर है हमारा, प्लॉटर भी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, और गिलास के ये मिरर के डिज़ाइन चाहिए तो डिज़ाइन हम नए नए डिज़ाइन निकाल रहे हैं, नए नए डिज़ाइन। और अगर आपको कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करवाना हो, डिज़ाइन चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपका डिज़ाइन होगा उसे क्रिएट करने का चार्ज जो भी होगा वो आपको पहले पे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, पहले पे करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो गया गाइस, कोई मुझे डिज़ाइन भेज देते हैं, बोलते हैं भाई क्रिएट करना है, ठीक है, अपने क्रिएट कर देते हैं डिज़ाइन को, और फिर बात को पार्टी से बोलते हैं भाई ले लेगा, तो फ़ोन ही नहीं उठाते। ठीक है, तो वो चीज़ की वजह से हमने बंद कर दिया पेमेंट, पहले पेमेंट फिर बात को डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है गाइस डिज़ाइन क्रिएट करने में, तो इस वजह से आप फिर नहीं लेते तो अपनी मेहनत ख़राब जाती है, तो इस वजह से पेमेंट पहले चाहिए। जो प्रोटेक्शन रोल है इस पर प्रोटेक्शन रोल चिपका लेंगे, क्योंकि इससे हमारी कटिंग ख़राब नहीं होती है, अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाती है गिलास पर। कटिंग कर लेंगे यहाँ से, ये यह हमारा राउंड है 24x24 का। गाइस दो भाग में कटिंग करी है, और आपको बता देता हूँ कि कुछ भाई हमसे ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास 2 फुट का प्लॉटर है और हमें बड़ी कटिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो भाई आपके पास अगर 2 फुट का प्लॉटर है और आपके पास स्टिकर छोटा है तो दो भाग में किस तरीके की कटिंग करनी है वो वीडियो आखिर तक देख ले, इसे आपको पता चल जाएगा कि हमें दो भाग कटिंग करके किस तरीके से चिपकाना है। ठीक है, दो भाग में मतलब ऐसा होता है कि जैसे डिज़ाइन पूरा सेट कर लेना है, करने के बाद उसके दो भाग कर लेने हैं, और एक भाग अलग कटिंग कर लेना है, एक भाग अलग कटिंग कर लेना है, और उसे चिपकाना है फिर। तो इसमें मैंने 2 भाग चिपकाए हैं, तो किस तरीके से है वो आप वीडियो में देखना ध्यान से। ये देखिए गाइस, वो एक भाग पहले चिपका लिया था, ये दूसरा भाग चिपका रहे हैं हम। तो हमारे पास प्लॉटर तो 2 फुट का है, पर स्टिकर 18 इंच का था, तो इस वजह से हमने 2 भाग में कटिंग करी है। तो आप देखिए किस तरीके से हमें ये चिपका के और किस तरीके से हमें डिज़ाइन मिलाकर इस तरीके चिपका देनी है, और जो डिज़ाइन थोड़ी सी रह जाती है कट मिलाने से तो वो हम ब्लेड से मिला लेते हैं। गाइस थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए तो कुछ थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये देखिए, ये इसका जोड़ मिला लेंगे इस तरीके से, स्केल से कोई भी स्केल हो या कैसे भी डिज़ाइन मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपकी कोई भी कटिंग हो तो आप 2 भाग में कटिंग करके इस तरीके से चिपका कर मिला सकते हैं। ठीक है गाइस, और गाइस स्टिकर जो है P2 पिंक कलर का ही स्टिकर यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉटर में। आप उसके बाद कोई भी स्टिकर यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन भी स्टिकर यूज़ करते हैं, मगर जो प्लॉटर के लिए स्टिकर बेस्ट है
वो पिलोटर का ये पिंक वाला P2 का आता है स्टिकर, वो सबसे बढ़िया बेस्ट है। ठीक है गाइस, जो हम डिज़ाइन निकाल रहे हैं इसके अंदर से निकलेगी लाइट, जो हम लाइट लगाएंगे उसमें लगाया हमने फ्रेम में, वो इसके अंदर से लाइट बाहर आएगी। एक साइड से हमने ये देखिए कर लिया है, मिला लिया है डिज़ाइन, दूसरी साइड से फिर मिलाएंगे, दोनों साइड मिल गई है, अब इसे पूरे डिज़ाइन को निकालेंगे। बारीक डिज़ाइन है ये, और देखने में कैसा लगेगा वीडियो आखिर तक देख के आप मुझे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, क्योंकि भाई थोड़ी सी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल भाई के चैनल को गिलास आर्ट को थोड़ा सा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में या कहीं भी जो आपके जानते हो, तो वो इस वीडियो को देख कर कुछ सीखें और आपके भाई का चैनल थोड़ा सा ग्रोथ करें, क्योंकि 4 साल हो गए गाइस अभी रोज़ मैं वीडियो लाता हूँ, इसकी वजह से फिर हिम्मत टूट जाती है, फिर हिम्मत करता हूँ मैं नई नई वीडियो लाने की। तो गाइस ये है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें अपने भाई को। गाइस आप थोड़ी सी ये देखिए, हमने लोगो भी जो रहता है बटन का वो लोगो भी है पर निकाल दी उसकी कटिंग। इसे सन ब्लास्टिंग, फ्रोस्टिंग, रेती, ये तीन वो भाषा में बोला जाता है, वो अब हम इसमें करेंगे। ये देखिए फ्रोस्टिंग कर रहे हैं। ये स्टिकर गाइस, इससे हमें क्या है, जब फ्रोस्टिंग हो जाएगा तो स्टिकर पूरा निकाल देना है, स्टिकर पूरा निकाल देना है। उससे क्या है, तो हम जो उसमें टुकड़ी चिपकाएंगे वो गिलास पर चिपकेगी। और गाइस ये आगे से जो स्टिकर लग रहा है ये प्रोटेक्शन रोल है, और डिज़ाइन करने से पहले हम प्रोटेक्शन रोल लगा लेते हैं क्योंकि कहीं स्क्रेच नहीं आए, अगर स्क्रेच आ जाती है तो पार्टी लेने से इनकार कर देती है, तो इस वजह से हम प्रोटेक्शन रोल आगे से लगाते हैं। ये LP ग्लू जो रहता है तो उससे हम ये पेस्ट कर रहे हैं। LP PVC जो होती है बहुत अच्छी तरीके से पकड़ कर लेती है। ये मोम है, मोम होता है, उस पर हम मोम रख दिया है हमने वो, और इसके ऐसे रख के अब हम इस पर वहाँ से जहाँ जहाँ टुकड़ियाँ लगी हुई है वहाँ से दबाएंगे, तो इससे क्या है हमारे फ्रेम पे जो फ्रेम है वहाँ पे निशान आ जाएगा, तो वहाँ हम इसे निशान को ऐसे होल्ड कर देंगे, और वहाँ से होल्ड करने के बाद फिर सेंसर इस तरीके से लगाकर स्क्रू लगाने के, देखिए सेंसर उस पर जो बटन है जहाँ से टच करेंगे वहाँ से लग जाएगा, तो फिर स्क्रू कर देंगे। ये स्क्रू हम वहाँ से ही कर रहे हैं जहाँ पे निशान है आ गया है और वहाँ से होल हो गया है, तो वहाँ पर हम स्क्रू अच्छी तरीके से खींच देंगे, तो हमारा मिरर टंगने के लिए तैयार हो जाएगा कहीं दीवार पर। ठीक है गाइस, इसमें हमने 4 स्क्रू खींचे हैं। देखिए गाइस 24x24 लाइटिंग मिरर, LED डबल लाइटिंग वाला मिरर तैयार है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये डिज़ाइन बनाना आसानी से सीख जाए। और गाइज कमेंट करें कैसा आपको ये मिरर लगा डिज़ाइन। ये देखिए गाइज, पहले वाइट जल रही थी, अब ये वॉर्म वाइट हो गई है, मतलब वॉर्म, ठीक है। अब दूसरा कलर होगा तो ये देखिए अभी अलग कलर हो गया है। और गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है गाइज, और आपको अलग अलग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, अलग अलग वर्क में मैं आपको वीडियो दिखाता रहूँगा और बताता भी रहूँगा किस तरीके से ये बनाया है हमने। और गाइज मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगा
जब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। जब तक के लिए जय हिंद।